हमसे हमारी जिंदगी मांगते हैं, हम आपको खुशी खुशी दे देते हैं, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। Hey guys, welcome back to our channel DevilDGamer। कैसे हो भाई लोग सब? बढ़िया भाई। यार बहुत दुख वाली बात हो गई है कि PUBG बैन हो गया, जैसा कि पता है आप लोग को। तो इसी के ऊपर अपनी वीडियो है। बहुत सारे सवाल हैं आप लोग के मन में कि बैन क्यों हुआ, कैसे हुआ, अनबैन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो गाइज़ बस इन्हीं सब सवालों के आंसर लेके आया हूँ कि सोचा चलो भाई मेरे जो व्यूवर्स हैं मैं उनको कुछ बातें भी हो जाएंगी आपसे और बता भी दूंगा कि क्या सीन हो रहा है। बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि भाई अभी आपके चैनल पे वीडियो कैसे आएगी, मतलब कौन से सब्जेक्ट पे आएगी, क्योंकि PUBG तो अभी बैन हो गया, तो मॉन्टेजेस वगैरह या गेम प्ले जो भी है वो कैसे आएगा। तो गाइज पहली बात तो ये कि पैनिक बिल्कुल मत होइए आप लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका भी निकलेगा। तो पैनिक मत होइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। और जहाँ तक बात है कि अभी गेमिंग कम्युनिटी हमारा जो था PUBG को लेके, तो उसका क्या होगा, तो भाई ऐसा है कि मेरा ये मानना, मेरा ये ओपिनियन है कि गवर्नमेंट ने जो भी किया है वो नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए किया है। जैसे कि हमारे अभी मौजूदा हालात जो हैं चाइना के साथ या पहले जो थे, तो वो सही नहीं है। तो उसके लिए जो भी है, मतलब सिक्योरिटी के लिए, कि सिक्योरिटी हमारी हार्म ना हो, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है इंडिया की वो हार्म ना हो, हमारे लिए ही है, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो अब उससे हमें थोड़ा तो हार्म हुआ है, मतलब हार्म क्या है, मतलब हमें थोड़ा हार्म, हाँ हार्म ही हुआ है। तो उसके लिए भाई तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है डिसीज़न जो भी वो ले रहे हैं सही ही लेंगे हमारे लिए एटलीस्ट। और सेकंड चीज़ है कि यार PUBG अनबैन होगा कि नहीं, तो देखो गाइज ऐसा है कि जो टेंसेंट कंपनी है जिसकी गेम है PUBG, तो उसमें क्या है कि 10% स्टेक है चाइना वालों का, और वजह भी वही है बैन की लिस्ट में आने का PUBG का कि 10% स्टेक है। तो अगर एग्रीमेंट तोड़ देती है टेंसेंट चाइना की जो भी कंपनी है और इंडियन या गेम लॉफ्ट या और भी जो कंट्रीज़ हैं जिनसे रिलेशनशिप अच्छी है इंडिया की, अगर उनको दिया जाता है एग्रीमेंट, उनसे किया जाता है, तो अनबैन हो सकता है। तो ये पूरा अप टू टेंसेंट है और चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि गाइस मैं बताना चाहूँगा आपको कि PUBG का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में है, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है PUBG के लिए, तो हो सकता है। और गाइस आप बिल्कुल पैनिक ना हो अपने लेवल पे, बिकॉज PUBG को लेके बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्ट्रीमर्स, तो कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। और गाइस जहाँ मूव ऑन की बात आएगी हम लोग मिलके मूव ऑन करेंगे सब लोग। दूसरे भी गेम्स हैं जैसे कि फ्री फायर है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, और भी गेम्स आएंगे, तो गेमिंग कम्युनिटी अपनी थोड़ी सी चली गई है पीछे बैन होने की वजह से, पर ऐसा नहीं है कि अब कभी उभर के नहीं आएगी, आएगी और बिल्कुल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक रही बात कि भाई इस चैनल पे क्या आएगा, तो इस चैनल पे देखो ये है कि मेरे पास जो मेरे रिकॉर्डिंग्स पड़े हैं गेम प्ले के, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मॉन्टेजेस लाने की, ठीक है, और नहीं तो फिर मॉन्टेजेस हो, गेम प्ले हो, तो COD खेलेंगे अपन साथ में खेलेंगे। फ्री फायर तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है, पर देखते हैं आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है। तो बस यही है भाई, और बिल्कुल आप लोग पैनिक मत होइए, जो भी होगा साथ में मूव ऑन करेंगे हम लोग। और गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिए, वीडियोस देखिए, वीडियोस कंटिन्यू आएंगी आपसे। ओके गाइज चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू गाइज। You'll be afraid, everything will change you and me.